यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 25 जनवरी 2024 इस दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है। यदि इस दुर्लभ योग में मेरे द्वारा बताया गया हल्दी की गांठ का एक छोटा सा उपाय आप कर देते हो, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, 25 जनवरी 2024 के दिन गुरुवार है और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है, तो बन गया गुरु पुष्य योग और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, साथ में अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और पूर्णिमा का दिन है। तो कुल मिलाकर जब हम इस दिन को देखते हैं तो इस दिन एक ऐसा दुर्लभ एवं विचित्र योग बन जाता है। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। लेकिन किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए। रिश्ते जो आपको पसंद हैं वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। यदि आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 25 जनवरी को बहुत ही सुंदर योग बन रहा है और इस सुंदर योग में जो उपाय अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपने कर देना है। पूर्णिमा है और सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, तो इसी दिन आपने ये उपाय करना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, साफ सुथरी हल्दी की गांठ। यदि आपके घर में पहले से रखी है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, यदि नहीं रखी है तो आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान या फिर किरियाने की दुकान हो वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और क्या चाहिए? एक चाहिए आपको लाल रंग का पेन, रेड कलर का होना चाहिए, यानी कि लाल कलर का होना चाहिए, उसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और एक पीले रंग का छोटा सा कपड़ा आपके पास होना चाहिए, रुमाल से भी छोटा, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, उसका रंग पीला होना चाहिए, तो वो भी आपको ये उपाय करते समय आवश्यकता पड़ने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप सुबह कर रहे हो या फिर शाम को कर रहे हो, जिस समय भी आप कर रहे हो, तो आपको उपाय करने से पहले नहाना होगा। यदि सुबह कर रहे हो तो विशेष रूप से आपको नहाना ही है, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर ये उपाय करना है। और यदि शाम के समय कर रहे हो और आप शौचालय में नहीं गए हो, तो फिर हाथ मुंह धोकर भी ये उपाय शाम के समय किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने जाकर बैठ जाना है, ये सारी चीजें लेकर के। पूजा रूम में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है और सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है, समर्पण भाव से, कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को उठाना है अपने हाथ में और जो मैंने लाल रंग का मार्कर आपको बताया था, उस मार्कर की सहायता से, उस स्केच की सहायता से आपने हल्दी की गांठ पर लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। आपने केवल इतना सा लिखना है और इस हल्दी की गांठ को आपने, जो पीले रंग का कपड़ा मैंने छोटा सा आपको बताया था, उस कपड़े के ऊपर रख देना है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने इसको रख देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना है, देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करना है और एक मंत्र का जाप आपने करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बिल्कुल आसान सा मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है, यानी और यदि 108 बार करने का आपके पास समय नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार आपने इस मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद पुनः
हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान से अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो खुद यदि आप कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार से आपने ये उपाय करना है। उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को उस पीले रंग के कपड़े में बांध देना है, एक पोटली बना देनी है। अब ये पोटली बन गई। अब यदि आपके घर में केले का पेड़ लगा हुआ है तो फिर ये जो हल्दी की गांठ है आपने केले के पेड़ की जो जड़ है उस जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी आपने हटाकर खोद कर वहां पर इसको मनोकामना बोलते हुए दबा देना है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, दबाने से पहले आपने इस हल्दी की गांठ को, पोटली बनाने के बाद हल्दी की गांठ को अपने बच्चे के माथे से टच करना है। यदि लड़का है तो लड़के के माथे से, यदि लड़की है तो लड़की के माथे से आपने टच कर लेना है। यदि बाहर रहते हैं कहीं और आप घर में हो, आपके पास आपके बच्चे नहीं हैं, तो फिर ऐसे में उनका कोई भी फोटो हो सकता है, तो उस फोटो से आप एक बार इस हल्दी की गांठ को टच करवा लेना।